आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इन एलसीआर सीरीज सर्किट इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड सर्किट इज एंड करंट, अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इज जीरो, तो यहाँ पे अपन इसका ये अपना सीरीज सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, एल आर एंड सी, ठीक है, तो यहाँ पे ये अप्लाइड वोल्टेज भी है, ठीक है, और इससे करंट फ्लो आई हो रहा है, ठीक है, तो अपन को ये बोला कि यहाँ पे जो है वोल्टेज और करंट क्या है, वो इन फेज है, तो यहाँ पे अपन इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो फेजर डायग्राम कुछ क्या होगा, ऐसा होता है, इसमें आई अपना सेम है सब में, तो आई को रेफरेंस ले लेते हैं, और जो उसना अपना वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर होगा वो पाई बाय टू डिग्री करंट से लीड करता है, ठीक है, तो ये वीएल हो गया, और जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो आई के इन फेज होता है, तो ये वीआर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अपना जो ये कैपेसिटर के अक्रॉस होता है वो क्या होता है, फाइव बाई टू डिग्री लैग करता है करंट से, वीसी हो गया। तो यहाँ पे अपन ऐसा बोला कि ये वोल्टेज एंड करंट इज द जीरो फेज है, तो इसके बीच में इसका रिजल्टेंट भी ऐसा कुछ भी जीरो ना हो, तो रिजल्टेंट यदि अपन वीएल ग्रेटर देन वीसी मान ले, तो इसका इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वीएल माइनस वीसी हो जाएगा, और इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो इसका ये वीआर है, और वीआर और वीसी का स्क्वायर क्या हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर प्लस वीआर स्क्वायर हो गया, ठीक है। लेकिन ये पे यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो यहाँ पे करंट से ये एंगल फाइव पे आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वीआर के इक्वल आ रहा है, तो मतलब वीएल इज इक्वल टू वीसी है, तो वीएल इज इक्वल टू वीसी बोल रहा है यहाँ पे, ये ऐसा ही है, जीरो बोलने पे ऐसा तभी हुआ क्योंकि ये ऐसा इन फेज तो तब होगा जब ये फाइव जीरो हो जाए, और फाइव जीरो कब होगा, तब ये वेक्टर कुछ भी ना हो जीरो हो जाए, तो इसका मतलब वीएल इज इक्वल वीसी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ आई सेम है, और इसका ये जो अपना रिएक्टिव इंडक्टेंस क्या है, एक्सएल है, और ये जो अपना कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो एक्सी है, तो यहाँ से आई फ्लो हो रहा, तो वीएल इज इक्वल टू क्या है, आई इंटू एक्सएल और आई इंटू एक्सी, तो आई से आई गया, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा, तभी ऐसा केस पॉसिबल है, तभी यहाँ पे फेज डिफरेंस जीरो आ रहा, और ये एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल क्या होता है, यहाँ पे ये रेजोनेंस कंडीशन है इसका मतलब, तो मतलब यहाँ पे जब भी फेज डिफरेंस जीरो हो एलसीआर सीरीज सर्किट तो वो रेजोनेंस कंडीशन होती है, और वो क्या होती है, एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।